रीवा जिले के अतरैला थाना अंतर्गत पटेहरा गांव में 2 गज सरकारी जमीन के लिए भाई ने ही अपने खून की हत्या कर दी। सूत्रों की माने तो बीती शाम रास्ता निकालने का विवाद शुरू हुआ, फिर उस समय हिंसक रूप ले लिया जब बड़ा भाई घर के अंदर से हसिया लेकर छोटे भाई को मारने दौड़ा। देखते ही देखते हसिया से 2 वार किए, पहला घाव सीने में तो दूसरा कान के पास लगा। वारदात के बाद लहूलुहान होकर छोटा भाई जमीन पर गिर पड़ा। तभी आसपास के लोगों ने डायल 100 सहित थाना पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने प्राथमिक उपचार कराने के बाद एम्बुलेंस की मदद से SGMH रीवा भिजवाया। यहां चिकित्सकों ने जैसे ही इलाज शुरू किया वैसे ही घायल ने दम तोड़ दिया। इस मामले में अतरैला पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो मर्ग कायम कर मृतक का शव मंगलवार की दोपहर PM कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। अतरैला थाना प्रभारी कन्हैया सिंह ने बताया कि सोमवार की देर शाम नारायण केवट पुत्र अमरनाथ केवट निवासी पटेहरा अपने घर के सामने प्रस्तावित सरकारी रास्ते को साफ सफाई कर रहा था। तभी राम नारायण केवट का बड़ा भाई घर के अंदर से निकला और कहा कि यहां से कोई रास्ता नहीं बनेगा। इसका छोटे भाई ने विरोध किया, यही बात बड़े भाई को नागवार गुजरी। वह दौड़कर अंदर गया और हसिया लेकर बाहर निकला। मृतक पक्ष के लोगों ने बताया कि आरोपी बड़ा भाई हसिया दिखाते हुए बोला था कि रास्ते से हट नहीं हत्या कर दूंगा, लेकिन छोटा भाई नहीं समझ पाया कि हकीकत में हत्या कर देगा। नतीजन 2 प्रहार किए, पहला प्रहार सीने में और दूसरा कान के नीचे गले पर लगा। तेज घाव से छोटा भाई अधमरा हो गया। इसी बीच पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुला लिया। वारदात के बाद अतरैला पुलिस बिना मौका गवाए तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां गंभीर रूप से घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की मदद से संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल रीवा भिजवाया गया। SGMH पहुंचे घायल को सर्जरी वार्ड के ICU में भर्ती कर उपचार शुरू किया, लेकिन गहरे जख्म के कारण चिकित्सक नहीं बचा पाए। मौत की सूचना मिलते ही अतरैला थाना प्रभारी ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।